मौमी प्रसाद मौर्य भाजपा के कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद सपा में आए। पहली चीज तो उनका कोई ठिकाना नहीं है किस पार्टी में रहते हैं किस में नहीं रहते, वो भाजपा के भेजे हुए शिकारी हैं जो कि समाजवादी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। और जहां पर एक तरफ जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी पानी की तरह पैसे बहाकर जनता के बीच जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर हमारे डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी के एक बार आह्वान पे यहां पर दसियों हजार की भीड़ एक साथ आई है। मनोज पांडे जी को भी हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा पद दिया गया है, विधानसभा के मुख्य सचेतक है। कि जो क्षेत्र में रौला है, क्षेत्र में जो हवा है, वो ज्यादा किसकी है, मनोज पांडे की कि मनोज पांडे? राजनीति में तस्वीरें बोलती हैं, राजनीति में व्यक्ति नहीं वक्त बोलता है। आज रायबरेली के लिए वो दिन है जिस दिन अखिलेश यादव रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा में काशीराम की एक मूर्ति का अनावरण करने आए हैं। अखिलेश यादव जहां मूर्ति का अनावरण करेंगे उस विद्यालय का नाम माननीय काशीराम, और ये उनका विद्यालय है जो भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, और यहां से क्षेत्रीय विधायक हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम स्वामी का था, स्वागत कार्यक्रम रखा मनोज पांडे ने, लेकिन इन सबके बीच कार्यकर्ता क्या समझता है कि आखिर समाजवादी पार्टी के असल भक्त कौन है, असल उत्तराधिकारी कौन है? तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जो यहाँ पे आए हुए, इनसे आकर पूछते हैं कि इनके लिए असल समाजवादी कौन है। क्या नाम आपका? जी अनुज। अनुज कहाँ आए हुए हैं आप? जी हम स्वागत समारोह में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत समारोह में आए हुए हैं और डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी के स्वागत में आए हैं। और जहां पर एक तरफ जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी पानी की तरह पैसे बहाकर जनता के बीच जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर हमारे डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी के एक बार आह्वान पे यहां पर दसियों हजार की भीड़ एक साथ आई है, जो कि निश्चित तौर पर ये जाहिर करती है कि बिना पैसे के कोई एक रुपये नहीं लिया, ना कोई डीजल ना पेट्रोल। और एक तरफ जहाँ पे गाड़ियों बस गाड़ी एक तरफ से बुक है और जनता को पैसे देकर भी बुलाया गया है, तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क आए हैं सब लोग और अपनी स्वेच्छा से आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए आए हैं, मनोज पांडे जी के लिए आए हैं। तो अच्छा क्या लगता है आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आए हैं, क्षेत्रीय विधायक के लिए आए हैं, पार्टी के लिए आए हैं, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट कौन है? इस क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट निसंदेह मनोज पांडे जी। कैसे? संघर्ष करते हैं, जमीन पर कार्य करते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, क्षेत्र और हर व्यक्ति के विकास के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही उन्हें विकास पुरुष का नाम नहीं दिया गया है, ऐसे ही इन्होंने हैट्रिक नहीं लगाई है। निश्चित रूप से 12 से 22 तक आज 2023 चल रहा है, ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इसके पहले हमारे क्षेत्र में कोई जानता नहीं विधायक का चेहरा किस तरह होता था, लेकिन आज बच्चे बच्चे मनोज पांडे को जानते हैं, फोटो में देखते हैं तो एक बच्चा भी कहता है मनोज पांडे जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। उनके आज क्षेत्र से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले थे, राष्ट्रीय महासचिव आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें बनाया, तो फिर स्वामी को वो तरजीह क्यों दी गई जो मनोज को नहीं दी गई? मनोज पांडे को भी हमारे पार्टी के आला कमान ने बहुत बड़ा पद दिया है, विधानसभा मुख्य सचेतक बनाया है, और ये फैसला राष्ट्रीय पार्टी के हमारे बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्य है। मनोज पांडे जी को भी हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा पद दिया गया है, विधानसभा के मुख्य सचेतक है। अच्छा कार्यक्रम दौरा में था, महाविद्यालय में था, और आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वहां न जाके यहां स्वागत समारोह कर रहे हैं, ऐसा क्यों? स्वागत समारोह माननीय मंत्री जी का, विधायक जी का प्रोग्राम है, स्वागत सम्मान समारोह। हम लोग यहाँ पर, हम लोगों को जानकारी माननीय विधायक जी के द्वारा हुई कि यहाँ पे स्वागत सम्मान समारोह है, हम लोग आके बहुत 50,000 के ज़्यादा भीड़ है यहाँ, कार्यकर्ताओं की सब माननीय मंत्री जी के साथ खड़े हैं, और ये वो कार्यकर्ता हैं जो 2012 से 2022 के बीच तक में संघर्ष से करते हुए आए हैं। और ये मान लीजिए कि आप ये कार्यकर्ताओं का उत्साह ही बताता है कि माननीय मनोज कुमार पांडे जी कितने विकास पुरुष और जनप्रिय नौजवानों के साथी हैं। अच्छा क्या लगता है आपको कि जो क्षेत्र में रौला है, क्षेत्र में जो हवा है, वो ज्यादा किसकी है, मनोज पांडे की कि मनोज पांडे? पांडे जी कैसे? लगातार 3 बार से विधायक, अगर उनका रौला ना होता, उनका जलवा ना होता, वो जनता के बीच में ना आते, तो 3 बार से थे। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद सपा में आए। पहली चीज तो उनका कोई ठिकाना नहीं है किस पार्टी में रहते हैं किस में नहीं रहते, वो भाजपा के भेजे हुए शिकारी हैं जो कि समाजवादी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। इनको कोई समझ नहीं पा रहा,
ये हमारे विधायक जी के विकास पूर्वक काम है, तभी जनता उनको ऊंचा हार से 3 बार का विधायक बना रही है। लगातार जीते हैं और आगे जीतेंगे भी। अच्छा, लगातार जीतेंगे, लगातार जीत रहे हैं, इन सबके बीच आपको क्या लगता है कि जो ऊंचे हार की विधानसभा है ये भी दुविधा में है? अलग कार्यक्रम है, मनोज पांडे का अलग कार्यक्रम है, कोई दुविधा नहीं है। ऊंचा विधानसभा में मनोज पांडे के अलावा जी कोई नहीं है। मनोज पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयकारे की जरूरत नहीं है, जयकारे की जरूरत नहीं, यहाँ उन तर्कों की जरूरत है जिनसे आप ये बता सकते हैं कि नहीं क्षेत्र की जनता आखिर किसके साथ। मनोज पांडे है हमारे नेता, मनोज पांडे जो हर गांव, ये हमारी विधानसभा सभा का कोई ऐसा गांव बाकी नहीं है इस गांव में हमारे विधायक जी ना पहुंचे हो। एक छोटा बच्चा, छोटा से छोटा बच्चा, बड़ा से बड़ा बुजुर्ग, सभी लोग मनोज पांडे जी के साथ हैं और हम लोग मनोज पांडे क्षेत्र में। तो मनोज पांडे की बात कही जा रही है, आखिर और चीजें क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर क्या समझते हैं आप? स्वामी प्रसाद मौर्य है एक नेता है, लेकिन वो भी जो है एक दल बदलू नेता है। हमारे जो मनोज पांडे जी हैं वो जब से अपना समाजवाद पार्टी में ज्वाइन किए हैं तो तभी से वो अपना कार्य कर रहे हैं। विधायक तो बहुत सारे लोग आए लेकिन यहाँ विकास किसी ने किया नहीं था। 2012 से लेकर 2023 लगा है, कोई भी एक जनता के बीच में कोई समस्या होती है तो उससे मनोज पांडे खड़े उतरते हैं, इसलिए हम लोग मनोज पांडे जी के साथ हैं। दो यहां से 2 बार का चुनाव स्वामी प्रसाद मौर्य का बेटा लड़ चुका है, स्वामी प्रसाद मौर्य खुद यहाँ से पहली बार एमएलए बने थे, तो अगर क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुना होगा, 2000-3000 वोट से मात्र जीत और हार बदलती है। 2012 का चुनाव 3000 के अंदर अशोक मौर्य हारे, 2017 का चुनाव भी 2-3000 वोट से हारे, 22 को आप जबरदस्त हारे। तो नहीं, 22 में तो आप प्रत्याशी अशोक मौर्य नहीं थे? अशोक मौर्य ने पार्टी भाजपा से मुकाबला था पहली बार। 22 में तो वो आपके साथ थे जी? कौन 22 में साथ? कोई बात नहीं, 22 में आपके साथ थे अशोक मौर्य, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय तक बसपा में सपा में शामिल हो गए। शामिल हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन अब माननीय मंत्री जी का देखिए सपा का जो इतिहास है इस पर कोई संशय नहीं है। समाजवादी पार्टी जीताऊ प्रत्याशी को हमेशा कैंडिडेट बनाई है और 3-3 बार के विधायक उन पर कोई संशय नहीं है। संशय की बात ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब 2022 में समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे अधिकृत उम्मीदवार थे, 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े, 22 में जब वो साथ है, तो क्या यहाँ के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना पूरा सहयोग मनोज पांडे को दिया था? नहीं, कोई सहयोग नहीं दिया। क्यों? अब इसका अब उनका क्या था? नहीं, लिया था नहीं लिया था? नहीं, वो पार्टी में तो आए लेकिन अब यहाँ सहयोग जमीनी स्तर पर नहीं दिखा। नहीं दिखा कैसे? उनके तो कार्यकर्ता रहे होंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को चाहिए था वो भाजपा के साथ नजर आए थे। जो उनके कार्यकर्ता थे वो भाजपा के साथ नजर आए थे, और बाहर जो भी था बाहर वो समाजवादी में थे, लेकिन यहाँ पे उनके जो कार्यकर्ता थे वो भाजपा के साथ आए। ऐसा क्यों प्लान था उनका? यही प्लान था ना, उनके लड़के को टिकट नहीं मिल पाया, बस इस कारण से वो विधायक जी को, हमारे विधायक जी विकास पुरुष विधायक को वो हराना चाहते थे, लेकिन उनका ये मस्कूबा काम नहीं आया बस। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं बड़ी लग्जरी गाड़ी पजेरो है, और पजेरो पे एक लग्जरी साइकिल है, लैंड रोवर। हम अपने भाई से बात करते हैं कि किस उम्मीद और किस आशय से वो यहाँ आए हैं। क्या नाम सर आपका? वीरेंद्र कुमार यादव। वीरेन जी, इस रैली में या यूं कहें स्वागत समारोह में आप इतनी बड़ी गाड़ी से आए, क्या सोचते हैं आप? अकेले जैसे मिलने आए हैं, बाराबंकी से। बाराबंकी के रहने वाले हैं तो और कोई आपके साथ आया है? हमारे नेता जी। अच्छा, कौन नेता जी? डॉक्टर कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, तो ये साइकिल ऊपर आपने रख रखी है? साइकिल हम जब से समाजवादी में आए हैं तब से साइकिल जिला अध्यक्ष। अच्छा अच्छा, बाराबंकी से जी, तब से साइकिल बंदी हुई। तो आप यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं या मनोज पांडे के कार्यक्रम? मनोज पांडे। तो ये वो लोग थे जो मनोज पांडे के साथ आए हुए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने। आपने देखा कि जिलाध्यक्ष बाराबंकी के साथ ये आए हुए हैं, और ये जो युवा है यहाँ का पूरा विधानसभा मनोज पांडे के साथ जो बता रहे हैं, तो इनका मानना है कि प्रदेश में कुछ भी हो लेकिन ऊंचा हार विधानसभा में मनोज पांडे ही हैं। इनके तमाम तर्क है, इनका कहना है कि 2022 के चुनाव में मनोज पांडे के साथ बहुत सारे भीतरघात हुए, खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इनका सहयोग नहीं किया,
उनकी मंशा थी कि ये हार जाए ताकि आगे उनके बेटे का रास्ता क्लियर हो सके। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, ऊंचाहार विधानसभा, रायबरेली।